तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मेरी दुआ है आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हमें अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम है साबिर सुल्तानी। जी मेरा नाम है बाबर सुल्तानी। और मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। हाजिर है एक नई और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। वीडियो है जी 41 कैनेडियन डिप्लोमेट्स टू गेट आउट ऑफ द इंडिया, इंडिया स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक मूव। आइए मिलकर देखते हैं जबरदस्ती वीडियो, फिर उस पर करते हैं अपना रिएक्ट। हमारे रिव्यूज जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना तो मत भूलिएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स, मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने ये न्यूज़ सुनी होगी कि इंडिया ने कनाडा को ये कहा है कि 41 अपने जो कनेडियन डिप्लोमेट्स हैं जो दिल्ली के कनेडियन हाई कमीशन में हैं, इन्हें वापस कनाडा में ले जाओ, गेट आउट ऑफ हेयर। नाउ अगेन ये रिपोर्ट्स हैं, ऑफिशियली अभी तक इस पर कोई गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट सामने नहीं आया, मगर बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि इंडिया कनाडा टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। न्यू दिल्ली टेल्स ओटावा, ओटावा कैपिटल है कनाडा की, कई लोग सोचते हैं कि मॉन्ट्रियल है या कुछ और है, नहीं इट इज ओटावा। ओटावा टू विड्रॉ 41 डिप्लोमैट्स बाय अक्टूबर 10, इसी महीने की 10 तारीख तक कनाडा को ये कह दिया है कि अपने 40 से ऊपर डिप्लोमैट्स इंडिया से बाहर निकालो, अगर तुम ऐसा नहीं करते तो इनकी जो लीगल इम्यूनिटी है ये छीन ली जाएगी। लीगल इम्यूनिटी आपको बता होगा, जो ये राजदूत होते हैं डिप्लोमैट्स होते हैं इनको एक लीगल इम्यूनिटी मिलती है। तो मान लीजिए कल को, एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूं, आप यूपीएससी एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक हासिल करते हैं, आप आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विसेज में चले जाते हैं और आप बन जाते हो एक इंडियन डिप्लोमैट जापान में या पोलैंड में या किसी और देश में, तो एज ए डिप्लोमैट एक राजदूत के तौर पे आपको डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी मिलती है, मतलब कि आपको जेल नहीं किया जाएगा, आपको अलग से ट्रीटमेंट मिलता है, आपको बहुत सी चीजों में प्रोटेक्शन मिलती है, इट इज ऑलमोस्ट ए डिफरेंट लॉ फॉर यू। तो जो ये डिप्लोमैटिक इम्यूनिटी है ना, ये इंडिया ने कहा है कि आपसे हम छीन लेंगे अगर आपके ये डिप्लोमैट इंडिया से बाहर नहीं गए। नाउ यहां पे आपका क्वेश्चन आएगा कि इंडिया ने ये सब क्यों कहा है, और इंडिया के अलावा देखो कनाडा आज के समय हैवी प्रेशर फेस कर रहा है, ना सिर्फ कनाडा, एक्चुअली स्पेसिफिकली मुझे कहना चाहिए जस्टिन ट्रूडो की सरकार हैवी प्रेशर फेस कर रही है, नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया बट ऑल्सो फ्रॉम इलॉन मस्क। यहां पर आप देख पाओगे x.com, ट्विटर, जो आपको कहना आप कह लीजिए, इसके जो मेन ओनर है आज के समय इलॉन मस्क, इन्होंने ये लिखा है कि जस्टिन ट्रूडो इज ट्राइंग टू क्रश फ्री स्पीच इन कनाडा, इट इज शेमफुल। तो ये टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे कि क्यों दुनिया के बड़े जो बिलियनियर्स हैं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ये क्यों कह रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो जो कर रहे हैं कनाडा में ये शेमफुल है। तो बहुत कुछ यहां पर आपको जानने को मिलेगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन ये है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 के हिसाब से भारत की रैंक क्या है? ये है यहां पे आपकी ऑप्शंस, 40th, 71st, 81st या फिर 89th। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। नाउ आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि इंडिया ने ये सब क्यों कहा है कनाडा को, हम क्यों चाहते हैं कि कनाडा अपने जो डिप्लोमेट्स हैं भारत में इन्हें वापस कनाडा लेके जाए। वेल नाउ पहली बात तो हम ये नहीं कह रहे कि सारे कनेडियन डिप्लोमेट्स वापस जाएंगे, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे। कनाडा के जो हाई कमिश्नर हैं इंडिया में, ये इंडिया में रहेंगे, कई और जो डिप्लोमेट्स हैं वो भी रहेंगे, मगर पिछले कुछ सालों में हमने ट्रेंड देखा था कि कनाडा का जो हाई कमीशन है भारत में, वहाँ पर कनाडा के बहुत ज़्यादा डिप्लोमेट्स आ गए थे, जितनी इनको आवश्यकता नहीं है उससे ज़्यादा डिप्लोमेट्स इनके इंडिया में कर रहे थे ऑपरेट। तो इंडिया ने कनाडा को सिंपली ये कहा है कि हम लोग ओटावा, जो आपकी कैपिटल है, जितने डिप्लोमेट्स हम लोग रखते हैं ओटावा में, उतने ही डिप्लोमेट आप रखिए नई दिल्ली में। तो इसको आप कहोगे डिप्लोमेटिक पैरिटी, एक बैलेंस करना। We have informed the Canadian government that there should be parity of strength and rank equivalence in our diplomatic presence, our mutual diplomatic presence. We think that the numbers are much higher, and those details are being worked out, and we think that hence the number there will be reduction. So yes, I presume this is pursuant to our conversation or request. हम यहाँ पर कहीं से कनाडा को ये नहीं कह रहे कि बस निकल जाओ, हम तुमसे रिलेशन नहीं बनाना चाहते। सिंपली कनाडा को ये कहा जा रहा है कि जो आपको पहले स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता था कि आपके एक्स्ट्रा डिप्लोमेट भी यहाँ पर रहेंगे, हम पूछेंगे भी नहीं कि वो लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, अब वो सब जो स्पेशल प्रिविलेजेस हैं वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि ऑब्वियसली
जब आप एक कंट्री पे आरोप लगाते हो कि एक कंट्री ने असैसिनेशन करी है आपके नागरिक की, आपकी सॉइल पर, और इतना बड़ा चढ़ा के ड्रामेटिक तरीके से अपने लोगों को ये सब आप बताते हो, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मगर कनाडा को इससे क्या लॉस होगा? देखो, सीधा सीधा एक बड़ा लॉस ये होने वाला है कि कम इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा में जाएंगे। मैं आपको फिर बता दूं, इंडियन स्टूडेंट्स बड़ी मात्रा में, ह्यूज नंबर्स में जाते हैं कनाडा में। आप अगर कनाडा के टोटल इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देख लो ना, उसमें से 37% से भी ऊपर सिर्फ इंडिया से आते हैं। इट इज एन इनॉर्मस नंबर। अचानक से जब ये स्टूडेंट्स गायब हो जाएंगे ना, तब ये जो स्पेस है कैनेडियंस फिल नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आप यहाँ पे, अगेन मैं कई कैनेडियन फोरम्स देख रहा था, वहाँ पे कैनेडियंस ना जब ये न्यूज़ पढ़ रहे कि इंडिया कहता है कि जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स हैं इनको ले जाओ, ज़्यादातर जो वहाँ पर राष्ट्रवादी कैनेडियंस हैं वो कहते हैं कि ठीक है, हम कर लेंगे, अपने स्टूडेंट्स भी यहाँ पर मत भेजना। ज़्यादातर लोग इमोशन में आकर ये कह देते हैं कि ठीक है, हमें इंडियन स्टूडेंट्स भी नहीं चाहिए, कैनेडियन इकोनॉमी को जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ये कहीं और से मिल जाएंगे। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ एक नॉलेजेबल आदमी इन लोगों को ये बात रिमाइंड कराता है, अगर इंडिया से नहीं आएंगे स्टूडेंट तो कहाँ से आएंगे? कौन सा एक ऐसा देश है जहाँ पे इतने सारे लोग, आप कह लो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं एक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में मूव करने के लिए? दुनिया में बहुत लिमिटेड कंट्रीज हैं इंडिया जैसी, जहाँ पर इंग्लिश प्रॉपरली लोग बोल लेते हैं, समझ लेते हैं कि क्या कहा जा रहा है। जो उनका स्कूलिंग सिस्टम है वहाँ पर इंग्लिश पढ़ाई जाती है, और उस कंट्री में एक बड़ी मिडिल क्लास भी है, अपर मिडिल क्लास भी है, जो करोड़ों रुपए खर्चने को तैयार है बाहर पढ़ने के लिए। दुनिया में ऐसे देश बड़े कम आपको मिलेंगे। आप खुद सोच कर देखो, अगर इंडिया से स्टूडेंट्स की सप्लाई नहीं आती तो कनाडा की यूनिवर्सिटीज को स्टूडेंट्स कहाँ से मिलेंगे? जापान से, जहाँ पर आबादी लगातार गिर रही है, या चाइना से, जहाँ पर सेम प्रॉब्लम है। चाइनीज स्टूडेंट्स बाय द वे कनाडा इतना जाते भी नहीं है, ज़्यादातर उनका फोकस रहता है US की तरफ। रशिया से रिलेशन इनके ऑलरेडी ख़राब हो चुके हैं। अफ्रीका में कई देश हैं, वहाँ पर आबादी के पास इतने पैसे हैं नहीं, करोड़ ऑफ रुपीज़ या डॉलर्स आप कह लीजिए, कि वहाँ पर कनाडा में जाके ये सब पैसा वो खर्च पाएँ। तो कहाँ से आएंगे? यूरोप में ऐसा नहीं है कि लोग इतना डेस्परेट बैठे हैं। कोई आदमी जर्मनी में रहता है, वो कॉन्फिडेंट फील करता है, वो कहता है कि मेरे देश में ठीक ठाक यूनिवर्सिटीज़ हैं, मुझे कनाडा में जाने की आवश्यकता नहीं है। सेम केस बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में आपको मिलेगा। तो जो ये बड़ा डेफिसिट आएगा इंडियन स्टूडेंट्स के निकलने के बाद 40% का, कनेडियन इकोनॉमी, इनकी यूनिवर्सिटीज़ उसको भर नहीं पाएंगे। और ऑलरेडी मैं ये बात देख रहा हूँ कि इंडियन स्टूडेंट्स, कई इंडियन स्टूडेंट्स ऑलरेडी कनाडा के ऑल्टरनेटिव्स को देख रहे हैं कि कनाडा ना जाकर किसी और कंट्री में पढ़ने के लिए जाए, क्योंकि सेफ्टी कंसर्न्स ऑब्वियसली यहाँ पर है। इंडिया ने ओपनली बोल रखा है कि कनाडा आप जाते हैं तो वहाँ पे सेफ्टी का इशू आ सकता है, कनाडा में क्रिमिनल्स, टेररिस्ट को जगह दी जाती है, इट इज़ ए सेफ हेवन फॉर टेररिस्ट। तो इंडिया की सरकार ने ऑन रिकॉर्ड ये सब कह दिया है, और साथ में अब डिप्लोमेट्स भी कम कर दिए हैं। तो जो इंडियंस के लिए वीज़ा प्रोसेसिंग होती थी कनाडा में, उसकी स्पीड में भी कटौती आएगी। तो बिल्कुल मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडियन स्टूडेंट्स सीधा कनाडा की इकोनॉमी में पंप कर रहे थे, ये आने वाले समय में ऐसा नहीं होने वाला। जस्टिन ट्रूडो ने कनेडियन इकोनॉमी का लॉन्ग टर्म में बड़ा लॉस कर दिया है। हाँ, कई रेसिस्ट लोग आपको मिलेंगे कनाडा में, वो कहेंगे अच्छा हुआ नहीं आए, बाहर के लोग आ रहे थे, हमारा देश बच गया। बट जब इनको रियलाइज होगा कि ऑल्टरनेटिव क्या है, इंडियन स्टूडेंट्स अगर नहीं तो फिर कहाँ से आएंगे स्टूडेंट्स, तब आप देखोगे इन्फ्लेशन जब यहाँ पर बढ़ेगी, मैन पावर की कमी आएगी, दे विल फील द पेन। नाउ एक तरफ तो हमने यहाँ पर बात कर ली है मैसिव इकोनॉमिक लॉस की, दूसरी तरफ ना जस्टिन ट्रूडो की आलोचना इलॉन मस्क जैसे लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कनाडा में फ्री स्पीच जेन्युइनली खत्म किया जा रहा है। यहाँ पे आप देख पाओगे इलॉन मस्क ये कह रहे हैं, जस्टिन ट्रूडो इज ट्राइंग टू क्रश फ्री स्पीच इन कनाडा। जस्टिन ट्रूडो ने बेसिकली क्या किया है, अपनी सरकार को ये कहा है कि जो भी हमारे देश में कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पॉडकास्ट या फिर कोई और सर्विस होती है, उन्हें सरकार के साथ रजिस्टर करना होगा, जो वो बोलेंगे, जो उनके मुंह से निकलेगा, वहाँ पे काफ़ी हद तक गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए। तो फ्री स्पीच बेसिकली ख़त्म है। ये इंडिया में हो रहा होता ना, जस्टिन ट्रूडो ओपनली इंडिया की आलोचना करते। तो अगेन देखिए, कनाडा के लिए ये अनफॉर्चुनेट है कि इनका लीडर इस वक्त ऐसा है जो बाकी कंट्रीज़ के साथ रिलेशंस ख़राब कर रहा है, कनाडा की जो इमेज है ये ख़राब कर रहा है। ओवरऑल एज ए कंट्री कनाडा इज़ ब्यूटीफुल, लोग यहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं, जैसे दुनिया में और जगह होते हैं, मोस्ट पीपल आर नाइस। मगर अनफॉर्चुनेटली जो यहाँ पे लीडरशिप है ना, वो इस कंट्री का बहुत ही डीप नुकसान करने वाली है, जो कई डेकेड्स तक महसूस किया जाएगा।
और फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इंडिया की रैंक क्या है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन ए 40th इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख पाओगे इंडिया रिटेन्स इट्स 40th पोजिशन इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। ये काफी हद तक न्यूज में है, मेक श्योर टू रिमेम्बर दिस। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम जी। तो व्यूअर्स वीडियो हमने देखा, वीडियो था वर्ल्ड अफेयर का, प्रशांत सर का वीडियो था, और आज का वीडियो का टॉपिक था भारत ने कहा है इंडियन डिप्लोमेट्स को कि वो 40 प्लस जो लोग हैं वो जल्दी से यहाँ से चले जाएं, अपने देश को चले जाएं, क्योंकि बहुत सारे जो उन्होंने डिप्लोमेट्स यहाँ भिजवा रखे हैं नई दिल्ली में, उन्होंने कहा कि हमारे 48 हैं, 41 हैं, तो आपके भी 41 हैं, जितने हमारे हैं उतने आप रखिए और बाकी लेके निकल जाइए। देखिए ये टेंशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, सारी दुनिया जस्टिन ट्रूडो की आलोचना कर रही है, उसके बावजूद ट्रूडो को लेने के देने पड़ गए, बावजूद भी ट्रूडो साहब अभी ट्रैक पर नहीं आ रहे। और जैसे कि अब एलन मस्क ने कह दिया है कि वहां पे लोगों को बोलने की आजादी जो है वो छीन रहे हैं, तो ये बड़ा ही एक शर्मनाक फेल है। तो देखिए एक तरफ आप आजादी राय की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप लोगों पर सेंसरशिप लगा रहे हैं कि यहाँ पे कोई हमारी मर्जी के मुताबिक बोले, तो फिर इसका मतलब है कि खालिस्तानियों को भी आप भड़कावा दे रहे हैं, ये आपने अलाशीरी दी। और यहाँ मैं एक मजे की बात बताऊं, कनाडा से ही हमारे एक दोस्त हैं, हमारे व्यूअर्स हैं सुखबीर सिंह जी, और उनसे मेरी बातचीत होती, तो मैंने उनसे कहा कि यार ये जो क्या इशू चल रहा है, क्या आप भी प्रो खालिस्तानी हो या क्या माइंड सेट है। कहता भाई ये पता नहीं को गिनती के 4-20 लोग हैं, इनकी मजबूरी क्या है, अंदर से ये लोगों के मिनते तरले करके उकसाते हैं कि भैया आओ यहाँ, कईयों को पैसों का लालच देते हैं, कईयों को नौकरियों का लालच देते हैं, और किसी तरह से भी लोगों को ट्रैप करके वहां पे लाते हैं, और इनके पीछे मकसद क्या है ये आज तक किसी को समझ नहीं आया। तो यानी ये पीछे कोई मुद्दा ही नहीं है जिसपे ये खालिस्तान का एक मुद्दा एक इतना बड़ा इशू बना है, वो नहीं है, वो नहीं है, यानी कि है ना वो अपना जो है ना नाम बनाना या एक सियासी एजेंडा या पॉइंट स्कोरिंग है वही है। यार अवामी पजीराई हो कैसे सकती है, क्योंकि होना इंडिया में है तो बैठे कनाडा में, तो जैसे यूके में बैठे हैं, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, ऐसे कुछ नहीं होता और कहीं नहीं होता। जो तहरीकें होती हैं वो अंदर से ही फूटती हैं, वो शोला बनती हैं और फिर कुछ ना कुछ होता है। लेकिन अब जहां पे एक देश तरक्की कर रहा हो और बहुत जबरदस्त ग्रोथ पकड़ रहा हो, वहां ऐसी बात सुनना बड़ा ही वैसे अजीब सा लगता है। तो एक बात तो क्लियर है कि हमारे जितने भी सिख बरादरान हैं वो अपने देश से और अपनी उसकी धरती माँ से और मिट्टी से उतना ही प्यार और लगन करते हैं जितनी हर किसी को करनी चाहिए। जितने सिख बरादरान जो है ना, जो सिख भाई हैं, जितना प्यार करने वाले ये लोग हैं, मीठे और प्यारे लोग और और उनका कहना था कि आप इनका कोई भी प्रोटेस्ट देखिए, कोई भी रेफरेंडम देखिए, वहां पे लोग छुपते छुपाते फिर रहे होते हैं, खुल्लम खुल्ला 8-10-20 लोग होते हैं, वो भी तकरीबन को 70-80 प्लस एज के लोग हैं, वो वहां पे नजर आते हैं, और उनके तो वैसे ही दिमाग सठिया चुके हैं, पता नहीं क्या हो चुका है। तो असल में मुद्दा यही है कि जस्टिन ट्रूडो साहब को भी अब समझ लेना चाहिए कि क्यों अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे इन सब। तो कहते हैं जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, और दूसरी तरफ एलन मस्क ने जो इसके ऊपर ठप्पा लगा दिया, पाबंदी का लगा दी है कि हुकूमत की इजाजत के बगैर आप कोई जो है ना नशन नहीं कर सकते, चंद माफिया है। ये कौन सा फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि भाई आपके खिलाफ आप देखें, क्योंकि ट्विटर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहां पे हर कोई अपनी जो है ना इजहार राय कर सकता है, तो आप ट्रूडो को भी वहां पे जो भुगतनी पड़ रही होगी उसके खिलाफ जो सारा कुछ हो रहा होगा, उसने फिर पाबंदी लगाई होगी, तो फिर एलन मस्क को भी आना पड़ा कि भाई अब क्या हुआ है। पहले तो आप फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से तो आप खालिस्तानियों को उगाया नहीं रहा था कुछ भी, तो अब क्या हो गया है, अब भी जो है ना इसके ऊपर फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहिए, आप भी फ्रीडम ऑफ स्पीच करो ना, आप बर्दाश्त करो, अवाम अब आपको लेने के देने पड़ेंगे, अवाम को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ऐसे ही मुंह उठाकर कह दोगे कि भाई ये ऐसा है कि वैसे बंदे मरते रहते हैं, गैंग वार्स होते रहते हैं, हर जगह पे होते हैं, ये नहीं कि पाकिस्तान में नहीं है, इंडिया में नहीं है, गैंग वार्स में दुश्मनियों में लड़ाइयों में बहुत सारे लोग जो है ना वो मारे जाते हैं, लेकिन उसका हम सीधा डाल दें जी, सिख मर गया तो ये इंडिया ने मार दिया है, मुसलमान मर गया तो ये भी इंडिया ने मार दिया है, तो ये चीजें जो है ना ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आती। ये चले जी, अगर ये अपनी हठधर्मी में बरकरार रहे तो वो टाइम जल्द आने वाला है, जो नुकसान होगा। और जैसे प्रशांत सर ने कहा
कि डेकेड तक ये लोग याद रखेंगे, इतना नुकसान कर बैठेंगे अपने मुल्क का, तो ऐसा उनको भी नहीं करना चाहिए। अच्छा देश अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है। पंजाबी में कहते हैं डुलिया मेरा ना, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमारे सिख भाई जो है, हमारे वीर, वो समझ रहे होंगे इन सारी चीजों को, और पंजाबी को डुलिया मेरा ना कुछ नहीं किया, ऐसे भी बल्कि उनके साथ है ही कोई नहीं, तो मुंडा किसने है? और जस्टिन ट्रूडो को हमारी पंजाबी की समझ नहीं आती। तो चले जो हमारे सिख भरा वहां पे जो हमें देख रहे हैं वो तो ट्रांसलेट कर, आप उन्हें कहते हैं कि भाई अगर किसी के मन में किसी ने कुछ बात डाल भी दी है तो ये एंटी जो नेशनलिस्ट हो जाता है, ये नहीं होना चाहिए। वतन से मोहब्बत जरूरी है, उससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है, चाहे हालात कैसे हैं। ये बोले वाले सिख भाई उधर गए मजदूरी करने, और ये चंद इंतजार फैलाने वाले ब्लैक माफिया जो इनके ब्रेन वॉश करके बोले वालों को सड़क पे ले आते हैं कि ये जी फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमें अलहदा मुल्क चाहिए, ये उसकी आड़ में एक अपना धंधा चला रहे हैं भाई, ये अपने नोट पर। वही ना, बात तो साफ है कि पीछे मकसद कुछ और है, कुछ और ताकते हैं जो इनसे ये करवा रही है। ये कहीं किसी का अपना उस ताकत का नाम भी जो है ना, वो इंडियंस है ना, अक्सर लेते रहते हैं कहीं उसके पीछे वो वाली ताकत है। अगर हम उस ताकत का नाम लेंगे तो हमारे ऊपर भी पाबंदी लग सकती है। हो सकता है कि भाई इसके पीछे क्या है, ये तो जो है ना नहीं, वो वाली ताकत नहीं है। बहुत ही जबरदस्त वीडियो था, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अच्छा लगे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।